बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 7.5 बाय मैट्रिसेस मेथड। मैट्रिसेस मेथड के तहत हम ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी विल ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशंस इनटू मैट्रिसेस। सबसे पहले हम ये दोनों इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कोफिशियंट्स का एक मैट्रिक्स बनेगा, वेरिएबल्स का दूसरा मैट्रिक्स बनेगा और कॉन्स्टेंट का तीसरा मैट्रिक्स बनेगा। देन हम कोफिशेंट के मैट्रिक्स को ए के इक्वल ले लेंगे, वेरिएबल के मैट्रिक्स को हम एक्स के इक्वल ले लेंगे और बी के मैट्रिक्स को हम कॉन्स्टेंट का मैट्रिक्स जो है वो हम बी के इक्वल ले लेंगे। नाउ देयर इज़ अ फॉर्मूला, ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी। एक्स यहीं रह गया, ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर ए इनवर्स बी हो गया। अब हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए अपोजिट डायगोनल्स को हम मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो उनका आंसर आता है उनको हम सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। और उस डिटर्मिनेंट ए में अगर हमारे पास वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है, यानी कि जैसे यहाँ पर 20-24 है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और इसकी आगे वर्किंग होगी। हम इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, लीडिंग डायगोनल्स की प्लेस चेंज कर देते हैं और प्रीसीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स की हम साइन चेंज कर देते हैं। एज वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू रखेंगे -24 और एडजॉइंट ए का हम मैट्रिक्स रखेंगे और उसके बाद इसका सलूशन स्टार्ट करेंगे इस तरह कि इसको हम डिवाइड कर देंगे तमाम एलिमेंट से, एडजॉइंट ए के एलिमेंट से। अच्छा क्लास, यहाँ पर आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई है। अब इस ए इनवर्स की वैल्यू को हम ऊपर जो मैंने इक्वेशन आपको बताई थी, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, इस वाली इक्वेशन में हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ क्लास, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, ए इनवर्स की जगह हम ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे और बी की जगह हम बी मैट्रिक्स की वैल्यूज रखेंगे। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इसमें -2 × 9 -5 × 1 -4 × 9 +2 × 1। मज़ीद इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो -18 -5 -36 +2 ये आंसर आया। उसके बाद हमने इसको 24 से डिवाइड कर दिया। 24 से डिवाइड करने के बाद फिर हमने जो है, नाउ इक्वेटिंग द कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एक्स इज इक्वल्स टू 23/24 एंड वाई इज इक्वल्स टू 17/12। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 23/24 17/12, ये इसका आंसर है। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा कि सोल्यूशन सेट हमेशा राउंड ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट में शो होता है, वरना इसके नंबर डिडक्ट होते हैं। अगर आप इस तरह इसका आंसर शो नहीं करेंगे तो आपके नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। ओके नाउ क्लास, इन दिस वे यू हैव टू डू ऑल द रेस्ट क्वेश्चंस। इसी तरीके से आपको बाकी बचे हुए तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आई विल सेंड द पिक्चर्स ऑफ अदर क्वेश्चंस फॉर टेलिंग द आंसर। आप अपना आंसर मेरे आंसर से टैली कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इसकी पिक्चर्स सेंड कर दूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।